सोशल मीडिया उत्ते एक खबर आ रही है जो कि सीनियर कांग्रेस लीडर बीबी राजिंदर कौर भट्टल नाल संबंधित है। जी हाँ, राजिंदर कौर भट्टल जो कि पंजाब के सबका मुख्यमंत्री भी ने, उन्हां दे नाम उत्ते फंडरेज किया होया है। यह फंडरेज GoFundMe.com नामक वैबसाइट पर हैल्पिंग बीबी भट्टल के नाम से किया होया है, जो कि $1,00,000 यानी तकरीबन 50 लाख रुपए का है। इसनों अमनदीप सिंह नाम के व्यक्ति वालों रेस किया गया है, जिन्हों का पता कैलगरी कनेडा में शो होता है। यह फंडरेज 25 जुलाई 2018 भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे किया गया। इस विच जानकारी दी गई है कि दोस्तों, समा हमेशा इको जिहा नहीं रहिंदा। बीबी भट्टल कदे मुख्यमंत्री सन, फिर मंत्री ते आ गए, फिर सिर्फ MLA, अते हुण तां ओह MLA भी नहीं रहे। उपरों करजे दीआं पंडां, कल्ली कोठी का किराया ही 40 लाख टप गया। बीबी 2-3 बार खुदकुशी बारे भी सोच चुकी, पर भार झलण वाला रस्सा नहीं मिलता कितों। सरकार करजा माफ़ी स्कीम अधीन किराया माफ़ करन बारे सोच, सो पंजाब दे खजाने नूं बचाउण लई इस लिंक ते 5-10 जिन्ना भी सरदे पुजदे दान करो। टारगेट 50 लाख का है। 42 लाख किराया भर के बाकी बीबी दे घर दा आटा दाल चलदा रखण लई उहनां दे पिंड दे राशन डिपू दे जमा करवाए जाणगे। मौजूदा समय तक इस नूं फेसबुक उत्ते 81 शेयर आ चुके सन, पर अजे तक किसी ने भी इस विच दान नहीं किया सी। द खालस टीवी ने अमनदीप सिंह नाल कंटैक्ट करने की कोशिश की, पर उन्हां नाल कोई संपर्क नहीं हो पाया। गौरतलब है कि यह पोस्ट सच है या झूठ, कि यह सचमुच बीबी भट्टल वालों किया गया या फिर उन्हां दा नाम वरत्या गया। द खालस टीवी इस पोस्ट की बिल्कुल पुष्टि नहीं करता। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, द खालस टीवी।